वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. मैं तो बता रही हूँ, और उससे पहले किसी को स्टडी करनी पड़ेगी कि ये हालत थी पहले का, देखो और उस पे देखो। और मोदी जी ने जब बोला कि यहाँ पे टेंपल बनेगा, उसके बाद देखो क्या अयोध्या चेंज हुआ है। अरे हमने अभी और कितनी तेजी से चेंज किया है वो देखो। और मैं कह रही हूँ जो हमने अभी एक वीडियो की है, देखना थोड़ी देर में आएगी, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में आएगी शायद, उसको देखना, इतना सुंदर, अभी पूरा बना ही नहीं है उसको। और जो लोग अयोध्या में रहते हैं उनको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है यार, अयोध्या बदल रहा है। अगर वो जब अपने अयोध्या से बाहर कहीं जाएंगे, जब अयोध्या वापस जाना होगा, बोले आप तो अपने घर जा रहे हो भैया, जाना है हमारे तो बढ़िया। मुझे तो लग रहा है अयोध्या सबसे बेस्ट होने वाला है जगह, उनको लगेगा भैया मैं तो अपने अयोध्या। ये रेलवे स्टेशन देख लिया, क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी, सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता है। आ रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम कायाकल्प स्टेशन, तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए जैसे, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा है यहाँ पे, सब लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन, मतलब ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा चेंज आया है कि मेरे ख्याल में इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि ये अब इसको अप्रोच कैसा किया जाएगा, हाउ विल इट बी एक्सप्लेन। एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है, ओह माय गॉड। अब अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। तो ये जो तबाही आई है ये फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से आई है। इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए, और चीजों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? सोच रखने वाले इस तरह के रेलवे स्टेशन के लिए बजट चाहिए पाकिस्तान के पास, खाने के लिए इधर लोगों के पास पैसे नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इंडिया स्पेशल, ये बढ़िया, यही तो मैं देख रहा हूँ, ये ऐसा बन रहा है, ये तो नहीं दिखाया इन्होंने। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे के नए भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। वंशी पहाड़पुर के पत्थरों से बने पिरामिड स्टेशन की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। पूरे भवन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है, यात्रियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जो स्टेशन को और भव्य बना। ये तो बहुत सुंदर, देख लो भैया, भवन का मैंने बोला ना मुकुट है, कोई मान ही नहीं रहा था, मुकुट का है, मुकुट का ही है, मुकुट लेकर तैयारियों, सबसे पहले मैंने देखा था। अयोध्या रेलवे स्टेशन को त्रेता युग की आभा को प्रदर्शित करने वाले स्थल के रूप में विकसित किया गया है। नागर शैली पर अयोध्या स्टेशन को विकसित किया गया है। एक बार की स्टेशन को देखकर आपको भगवान राम के भव्य मंदिर सा एहसास होगा। यह स्टेशन काफी खास है, यहाँ से उतरकर आप 1 किलोमीटर दूर राम मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। 1 किलोमीटर दूर है, पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों प्रकार की ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। दरअसल इस रेलवे स्टेशन में सुख सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया। यहाँ पे कहाँ है वो बनाया जो फूल दिखाया था, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये तो देखिए नहीं रहा यार, ये दिखा दो मुझे कहाँ है, ये देख दो, ये पता नहीं फोटो कैसे दिखा रहे हैं, वही तो ये ऐसा बना दो मुझे। हमारे एक रेलवे स्टेशन है, ओह माय गॉड, इतना मॉडर्न रेलवे जो कि लगता है एयरपोर्ट है, देखे ना अंदर हर चीज, मुझे बताया कैसा रेलवे लग रहा है आपको भी देख के? देखिए मस्त लग रहा है वैसे तो, बहुत जबरदस्त। सर मुझे बताए, हमारे अगर हम अपने मुल्क को इतनी अचीवमेंट करते जा रहे हैं, उनका रेलवे आप देखिए इतना मॉडर्न रेलवे आपने बनाया, जो आपने खुद कहा मुझे पसंद आया, हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोचते? हमारे हुक्मरान दिमाग नहीं है। एक्चुअली सीन ऐसे है कि हमारे जो दूसरे जो सिनेरियोस हैं, गलत जगह पे कर रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हो, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं उसमें,
उससे हमारा जो हटेगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्यों है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज होंगे तो हमारा बनेगा सब कुछ। सर देखिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, लोग कहते हैं जी वो दहशत गर्द है, वो मुसलमानों को मारता है, मगर वो अपनी आवाम के लिए इतना सेट है, वो अपनी आवाम को आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। यार प्लानिंग तो उन्होंने पहले की होगी। मुझे बताया कि अभी अरसा यही साल हुआ है कि आपको बताया इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, 2-3 साल में इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जापान को गाड़ियों में बीट कर दिया, हर जगह बीट करते जा रहे हैं, मॉडर्न उन्होंने रेलवे बना दी। मोदी जी दहशत हमारे अंदर क्यों ऐसे अचीवमेंट कर रहे हैं? हमारे एक सिर्फ सियासतदान ये हम आवाम को पीछे कश्मीर पे लगाया हुआ है, कश्मीर उसके अलावा आवाम को आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मगर वो वहाँ पे ये काम नहीं है। देखिए अपने वो किसने बनाया हुआ है, हमारे मीडिया ने, मोदी क्या है, जो मीडिया है ना, मीडिया ही कर रहा है हमारा, उधर पाकिस्तान को बुरा कह रहा है, इधर देखें जैसा भी है उसने अचीवमेंट की है, कुछ करके दिखाया, अपने इमाम को फैसिलिटेट किया है, इंटरनेशनल टाइप का, इंटरनेशनल सिनेरियो का उसने रेलवे ट्रैक बना दिया हुआ, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा? हमारे पॉलिटिकल इश्यूज आपके सामने हैं, तो इसी वजह, यही वजह बस बनाई हुई है रेलवे पाकिस्तान की। लोगों की बात कर लेते, रेलवे तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते दूसरी वगैरह बस वगैरह से, तो रेलवे से चले जाते हैं। रेलवे की एज़ कम्पेयर टू बस वगैरह से थोड़ी सस्ती होती है, तो लोगों के लिए डैशिंग भी तो माना चाहिए, खूबसूरत लगे तो बंदा चले तो मज़ा भी आए। ऐसे ही है हालात बहुत ख़राब हुए हैं रेलवे के इस टाइम, क्योंकि हुक्मरान तो आपस में ही लगे हुए हैं, आपको पता है इस चीज़ का, उस तरफ ध्यान तो कोई दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और मजीद की तरफ भी, हाँ मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, और मजीद दिन ब दिन ना हालात खराब ही हो रहे हैं। दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना है कौन सी कंट्री की रेलवे है, बस आपने वो बेस्ट करना है। अच्छा तो देखकर ये बताओ कहाँ से है। चाइना। बोलो हमारे पापा चाइना। चाइना क्यों बोलो, मैं तो गया भी था। ये इंडिया की लग रही है। चलो उसको पता चल गया। कैसे गया हमारा वीडियो में ये लोगों से लोगों से अच्छा इंडिया का ही है, इंडिया का ही है। कैसी लगी, मैं आपको, मैं ये कैसी, अब ये पूरी देख ले, ये तो लग ही नहीं रही इंडिया की बिल्कुल भी कहीं से, ये तो ऐसे जैसे बाहर की होती है, कमाल है यार। आप देखें तो सही लोगों से अच्छा, लेकिन अपनी कंट्री के ऊपर भी वो लोग ना काफ़ी देख रहे हैं, कंट्री पे भी काफ़ी फोकस उनका चेक कर रहे हैं, उनके रेलवे उन्होंने ऐसा बना दिया कि हमारे यहाँ के एयरपोर्ट भी हमारे इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह का उनका रेलवे बना हुआ। अभी तो तुम वेट करो जी, और थोड़े साल वेट करो, उसके बाद तुम लोगों को पता चलेगा। पर यार जो फोटो है वो शुरुआत तो ये पूरा, मतलब जब लोग आना जाना शुरू करेंगे तब देखना क्या जबरदस्त लाइव वीडियोस अभी नजर आते हैं। नहीं अभी तो बन रहा है, अभी तो पूरा बना भी नहीं है, एक बार बन जाए पूरी अयोध्या जब ऊपर आएगी तब मजा आ जाएगा कि कितने लोग जो है टूरिज्म के लिए जो जाते हैं उनको लगेगा वाह। मैं तो बता रही हूँ, और उससे पहले किसी को स्टडी करनी पड़ेगी कि ये हालत थी पहले का, देखो और उस पे देखो। और मोदी जी ने जब बोला कि यहाँ पे टेंपल बनेगा उसके बाद देखो क्या अयोध्या चेंज हुआ है। अरे हमने अभी और कितनी तेजी से चेंज किया है वो देखो। और मैं कह रही हूँ जो हमने अभी एक वीडियो की है देखना, थोड़ी देर में आएगी इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में आएगी शायद, उसको देखना इतना सुंदर, अभी पूरा बना ही नहीं है उसको। और जो लोग अयोध्या में रहते हैं उनको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है यार, अयोध्या बदल रहा है। अगर वो जब अपने अयोध्या से बाहर कहीं जाएंगे और जब अयोध्या वापस जाना होगा तो बोले आप तो अपने घर जा रहे हो भैया, जाना है हमारे तो बढ़िया। मुझे तो लग रहा है अयोध्या सबसे बेस्ट होने वाला है जगह, उनको लगेगा भैया मैं तो अपने अयोध्या ही जा रहा हूँ जहाँ मेरा बेस्ट है। और लोग जो वहाँ से बाहर जाएंगे बोलेंगे तुम्हारा तो बोगस है यार, तुम रेलवे स्टेशन को तो ठीक कर लो, अपने एयरपोर्ट को ठीक कर लो, ऐसा जबरदस्त उनका। और ये जो बना रहे हैं रेलवे दिखा रहे हैं उसके बाद आप एयरपोर्ट देखो अभी तो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।